हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपना ट्विटर अकाउंट कैसे डीएक्टिवेट या फिर डिलीट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ये मैं पहले आइकॉन पे गया लॉगिन करने के बाद, यहाँ पे हम अपना प्रोफाइल पिक्चर रखते हैं, उस पर क्लिक करने पे ये देखिए नीचे सेटिंग आ रहा है। हम सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में आ गए। अब सेटिंग में हम सबसे नीचे जाएंगे, ये स्लाइडर को ड्रैग कर लिया। ये देखिए सेव चेंजेस के जस्ट नीचे डीएक्टिवेट माय अकाउंट लिखा हुआ है। अब हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने कुछ लिखा हुआ आया है, जिसका मतलब मैं आपको पहले एक बार एक्सप्लेन कर दूं। पहला पॉइंट ये कहता है कि आपके डीएक्टिवेशन के बाद भी 30 दिनों तक आपका डेटा संभाल के रखेंगे, जब तक आप इसमें दोबारा लॉगिन नहीं करेंगे। अगर आप 30 दिन के अंदर ही इसमें लॉगिन करते हैं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेशन से हट जाएगा और डिलीट भी नहीं होगा। तो ध्यान दें कि अकाउंट डीएक्टिवेट करने के बाद उसे 30 दिन के बाद ही लॉगिन करके ट्राई करें कि आपका अकाउंट डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर आपको अपने अकाउंट का ईमेल आईडी चेंज करना है तो आपको उसके लिए डीएक्टिवेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी सेटिंग में जाकर ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए क्लिक करते हैं डीएक्टिवेट। अब आप अपना पासवर्ड भी एंटर कर दें, अकाउंट पासवर्ड। डीएक्टिवेशन पे क्लिक कर दिए, ये देखिए आपको मैसेज आ गया, योर अकाउंट इज नॉट डीएक्टिवेटेड, योर अकाउंट विल बी परमानेंटली डिलीटेड इन 30 डेज। मतलब कि आपका अकाउंट 30 दिनों में डिलीट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे एक लाइक का बटन है, उस पर जरूर क्लिक करें।